शुभ शॉपिंग में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ शुभांगी ठाकुर। और देखिए दिवाली अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर रोशनी का ही त्यौहार है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइट्स होती है। लाइट्स की शॉपिंग इस बार आपको कैसे करनी है, कौन से लाइट्स मार्केट में चल रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर है और राजधानी के जवाहर मार्केट में इस वक्त मौजूद है। और चलिए कुछ दुकानें वहाँ पर बातचीत करते हैं और जाने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या ट्रेंड में चल रहा है लाइट्स को लेकर। तो चलिए मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत ही सुंदर लाइट्स हैं, इनके बारे में जानते हैं कि कौन सी लाइट्स मार्केट में इस बार नहीं आई है। ये सब लाइट्स के बारे में बताइए, सब किस चीज़ है ये? पूरी मैडम पूरी लाइट में आई भी आई है, नई नई आई है, पूरी पूरे मार्केट में हमारा चल रहा है पूरा, ये भी एकदम रेट भी एकदम ये। लेकिन है कि एक्चुअल में इसको हम लगाते कहाँ हैं? मैम ये हॉल पे लगाते हैं जो ऑर्डर होता है नाइट ऑर्डर के लिए। 3 कलर का एकदम न्यू LED में आता है ये, पहले कांच वगैरह की आती थी, अभी 3 कलर में एकदम फिक्स आती है, ऐसे आते हैं पूरा कलर चेंजिंग में पूरे आएंगे, ये ऐसे आएंगे, ये पूरी नई नई इधर कांच वाली आ जाएंगे। हॉल की ये? हाँ ये सब मैम पूरे हॉल वाले ये सब चीज़ें आएंगे, अभी अभी पूरी नई नई डिजाइन है पूरी चल रही है मार्केट। और ये सब का मतलब टाइम कितना लेती है, चार्जिंग वगैरह वाले हैं या फिर? ये ऑटो है, डायरेक्टली ओनली करंट से चलती है, अपने घर से स्विच ऑन बटन चालू बंद करके अपन चला सकते हैं, ऐसा है। तो मतलब ये ऐसा है कि अपन एक बार ले लिए तो फिर पुरसत हो जाएंगे, लॉन्ग पुरसत हो जाएंगे सब चीज़, ऐसा है। और ये पीछे भी कुछ हमें झालर दिख रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा बताएंगे? हैंगिंग आ जाएगा, जैसे आप ऑफिस में लगा सकते हैं, फिर कैफे में लगा सकते हैं आप, इस टाइप की लाइटें हमारे यहाँ मिलती है। ये चीज़ है जैसे कोई अपना कोई होटल वगैरह में लगा लिए, झूमर लगा लिए, गाइस के लिए कोई बर्थडे पार्टी वगैरह के लिए सब चीज़ हमारी आती है, सब चीज़ लाइट आती है। ये चीज़ है, ये आ जाएंगी हमारे बाहर के लिए, आउटडोर के लिए आएंगे, किसी कहीं गार्डन वगैरह में लगा लिए, सब चीज़ ऐसे आती है, सब चीज़ लाइट। ये आउटडोर के लिए मतलब कैसे इस्तेमाल करते हैं ये? बस अपना वही नाइट के लिए मैम, आउटडोर के डिज़ाइन वगैरह दिखाने के लिए सब चीज़ पूरे काम आती है सब चीज़। इस बार मार्केट कैसा है, कितने इंटरेस्टेड लोग लाइट्स को लेकर नज़र आ रहे हैं? हम लाइट्स के लिए तो बहुत इंटरेस्टेड हैं, खासकर ये जो फैंसी लाइटिंग है इसके लिए तो हर कोई रहता है, और ये तो 12 महीना रहता है इसके लिए तो। बाकी सीजनल तो ये फिर झालर के लिए फिर अलग ही एक रहता है इसका। किस तरीके की लाइट्स की डिमांड इस बार हो रही है? लाइट्स की डिमांड तो इसकी जनरली हमारे पास ऑलरेडी है, इसकी इसका तो हमारा टोटली मतलब यही काम है। बाकी झालरों में फिर ऐसे दिए आ रहे हैं, पानी के दिए हैं, और 60 मीटर झालर्स हैं, 90 मीटर की झालर्स हैं, ये सब अभी ज़्यादा चल रहा है सर। लेकिन हमने कुछ मार्केट्स और कपड़ों के मार्केट देखे तो कुछ मार्केट ऐसे हैं जो इस बार थोड़े से डाउन चल रहे हैं पिछले साल के हिसाब से, लाइट्स का मार्केट कैसा है इस बार? मैडम डाउन तो सबका है, पर वो तो थोड़ा बहुत रहेगा ही इस बार, क्योंकि पता नहीं इस बार क्योंकि ज़्यादा ही डाउन है, पिछले बार से थोड़ा सा कंपेरिजन थोड़ा डाउन है मार्केट। पर क्या इसका रीज़न क्या हो सकता है? देखें अब ऑनलाइन भी है सब, बहुत सारे रीजंस हैं, अब वो कैसे बता सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत लाइट्स हैं आपकी दुकान में। मैम आप शॉपिंग करने के लिए आई हैं, क्या ले रही हैं आप? मैं यहाँ क्या ले रही हूँ सर, आउटडोर लाइट ले रही हूँ। आपको क्या लग रहा है इस बार मार्केट कैसा है, इस बार लाइट्स के हिसाब से मतलब प्राइस वगैरह रेट? मेरा न्यू मकान बन रहा है तो मैं तो परचेसिंग कर ही रही हूँ, तो मेरे को तो ठीक लग रहा है सर। किस तरीके की लाइट्स आपके पास हैं? सब प्रकार की लाइट्स हैं, फैंसी लाइट्स हैं, मल्टी कलर लाइट्स हैं, फैंसी आइटम्स हैं, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो पानी वाले दिए हैं, ये सब चीज़। पानी वाले दियों की डिमांड हमने सुना है कि इस बार ज़्यादा है, किस तरीके के दिए आप दिखा सकते हैं हमें थोड़ा? ये लीजिए, ये आप पानी डालेंगे और ये पानी से चालू होता है। चलो टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है, मशीनी चीज़ों को हम सोचते हैं कि पानी से बचा कर रखें, यहाँ पे पानी से ही चल रहा है। बिल्कुल पानी से। कितने टाइम तक चलता रहता है? मैम इसकी 36 आवर्स की लाइफ है। 36, उस बार अगर मतलब कुछ चार्जिंग का कुछ, इसके बाद आप बैटरी चेंज कर सकते हो, छोटी सी बैटरी आती है इसकी, आप बैटरी चेंज करके चला सकते हो। चलिए बहुत ही खूबसूरत है। और इसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है? इस बार भी है, पिछले साल भी थी, पिछले साल से ये लॉन्च हुआ, पिछले साल से बहुत ज़्यादा चल रहा है, इस बार भी चल रहा है। रिस्पॉन्स कैसे था ग्राहकों का, मतलब ये लेने के बाद उन्होंने क्या? सबको इस बात की जानकारी है कि ये आइटम आ चुका है। बेसिकली ऑयल लैम्प्स में थोड़ा सा डर रहता है बच्चों को लेके, बाकी चीज़ों को लेके, तो लोगों को अब ये ज़्यादा प्रेफर रहता है ऑयल लैम्प्स की जगह पे। लोग ऑयल लैम्प्स तो जलाते हैं पर ऑयल लैम्प्स के साथ साथ इसे भी प्रेफर करते हैं। और मार्केट कैसा है इस बार? ठीक है सर, इस बार शॉपिंग अच्छे से कर रहे लोग, लाइट्स लोग में कर रहे हैं, बट फिर भी लोग ऑनलाइन शॉपिंग को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, जो कि थोड़ा सा हम दुकानदारों के लिए एक अच्छा। तो लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, अगर ऑनलाइन शॉपिंग ना करके ऑफलाइन वो करें तो इससे उन्हें क्या फ़ायदा होगा, ये मौका है आपके पास बताने के लिए? मैम ऑनलाइन शॉपिंग में और ऑफलाइन शॉपिंग में सिर्फ एक फ़र्क है, ऑनलाइन शॉपिंग में आप किसी को नहीं जानते हो, आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को जानते हो, बट ऑफलाइन शॉपिंग में आप एक दुकानदार को जानते हो और एक दुकानदार के साथ ट्रस्ट है आपका, जिस ट्रस्ट से आप बंधे रहते हो। जब भी कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है, अगर आप कोई सामान लेते हो तो जब आप ऑनलाइन कोई चीज़ को फीडबैक देते हो तो उस फीडबैक को रिप्लाई आने में न जाने कितने दिन लग जाते हैं, बट अब वही आप दुकानदार के पास जाते हो तो दुकानदार इंस्टेंट आपको उस चीज़ का रिप्लाई देता है और आंसर करता है। तो ये बड़ी अच्छी बात आपने की, क्योंकि ऑनलाइन देखा जाए तो वो ऑनलाइन ही होता है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन आकर सामान परचेस करते हैं तो आपका दुकानदार से भी एक संपर्क होता है, कुछ खराबी है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं।
क्या क्या लिया आपने अब तक? अभी लाइट ले रही हूँ, कारपेट वगैरह लेके आई हूँ। रेट कैसे इस बार लाइट्स का? ज्यादा तो नहीं लगा रहे दुकान वाले? नहीं नहीं, रीजनेबल है। और किस तरीके की लाइट्स की डिमांड आपकी ज्यादा है इस बार? कैसी लाइट्स आप चाहते हैं? पानी वगैरह वाला दिया जो है वो अभी बहुत ज्यादा डिमांड में है, पर वो बोल रहे हैं कि ज्यादा उसकी शेल्फ लाइफ नहीं रहती है, तो इसलिए ये वाली ले रही हूँ। ये हम हमेशा। अच्छा, तो इस मार्केट में आप आती है हमेशा? जी, अभी मेरा 3-4 ही बार हुआ है यहाँ पे, इधर पे आना। यहाँ के सामान टिकाऊ रहते हैं? देखिए, जो देख रहे हैं वो लोग तभी आएंगे जब आप बोलेंगे। मैं इतना ज्यादा इसका नहीं बता सकती, बाकी अभी तक तो जो लिया है वो सही रहा। शॉपिंग करके बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, लेकिन इस वक्त हम जिस मार्केट में मौजूद थे उस मार्केट में आपने देखा कि कितनी ज़्यादा नई लाइट्स है, प्राइस भी बहुत मीडियम में। मैं सच बता रही हूँ, मैंने खुद शॉपिंग की है यहाँ पर। तो हमारे शुभ शॉपिंग में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप अपनी शॉपिंग कंटिन्यू ज़रूर रखिएगा। और इस मार्केट से आपको कितना फ़ायदा मिला है हमारे इस एपिसोड को देखकर, ये हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आप बनी रहे IBC24 के साथ, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।